अस्सलाम वालेकुम। I hope आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 5, फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे एग्जांपल नंबर 5.1 एंड 5.2 अलोंग विद एब्सोल्यूट जीरो। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड दैट वी हैव अ पिंक बॉक्स सेइंग डू यू नो। सो हियर इज द क्वेश्चन, इन विच यूनिट्स ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड। के हम लोग जब भी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्लिनिक पे जाते हैं, दे मेजर आवर ब्लड प्रेशर, तो किस यूनिट्स में और किस वैल्यूज के जरिए से वो ये बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर लो है, हाई है या नॉर्मल है। तो इसके बारे में हम लोग एक छोटी सी चिट चैट करेंगे। सो हियर इट सेज ब्लड प्रेशर इज मेजर यूजिंग अ प्रेशर गॉज, तो वो हम सबको मालूम है। जैसे यहाँ पर एक मॉडर्न प्रेशर गॉज इन्होंने शो किया है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के लिए। इसके अलावा भी हमारे पास हॉस्पिटल में स्टेथोस्कोप के जरिए से अलोंग विद द प्रेशर गॉज हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। सो इट इज यूज्ड बाय यूजिंग अ मर्करी मैनोमीटर, के आपने देखा होगा कि मेजर करने के लिए ही रैप्स द आर्म विद द प्रेशर गॉज एंड देन चेक्स द प्रेशर रिजल्ट ऑन अ मर्करी मैनोमीटर, एक स्केल रख के पास में जिसके अंदर एक मर्करी का स्केल लगा होता है, जिसके दरमियान में मर्करी होती है। तो उस स्केल के जरिए से, मर्करी का राइज एंड फॉल के जरिए से, वो बताते हैं कि व्हाट्स द प्रेशर। अदरवाइज इन दैट वी हैव अदर मैनी मॉडर्न डिवाइसेज रिगार्डिंग दिस। सो हाउ ब्लड प्रेशर इज रिपोर्टेड, हाउ ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड, इट इज मेजर्ड बाय यूजिंग टू वैल्यूज। इट इज 120/80 विच इज कॉल्ड अ नॉर्मल वैल्यू। What does this value says? The 120 value, it says when the heart is pumping, we call this systolic pressure. That at this point, the heart is pushing the blood with its maximum pressure, with its maximum force, and we call this systolic pressure. And the 80 is the heart's resting position. Here the heart is not pumping any blood and the heart is resting, we call this diastolic pressure. And this is a normal value. A slight variation is also normal. For example, 120 to 125 and 75 to 80 is a normal blood pressure value. Any change in this, yani ke itni quantity ke darmiyan koi change aana, it is not a big problem. लेकिन अगर इससे ज्यादा या इससे कम कोई भी वैल्यू होती है तो वी कॉल दैट हाई एंड लो ब्लड प्रेशर। फॉर एग्जांपल, इफ दिस वैल्यू ऑफ 120/80 चेंजेस टू 140/90 एंड मोर देन दिस, वी कॉल दिस हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द रेगुलर वरीज एंड टेंशन इन द डेली लाइफ एंड अ पर्सन टेक टू मच स्ट्रेस। के किसी भी वजह से, कोई भी रीजन, कोई अचानक हो जाने वाले हादसे की वजह से कोई पर्सन जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, हार्ट के ऊपर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज करता है। नाउ हार्ट इज पंपिंग विद मोर प्रेशर। एज वी कैन सी द 120 वैल्यू इज फॉर हार्ट द पुशिंग ब्लड। सो नाउ द हार्ट इज पुशिंग ब्लड विद द मोर फोर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन हैव द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स and it is really dangerous. So try to keep the blood pressure within the normal range. And the unit for this is torr. Underline this. This is for MCQs. You will learn about this about systolic and diastolic pressure detailed in your biology lectures. So let's go toward our example number 5.1. Here it says a gas with volume 350 centimeter cube has a pressure of 650 millimeter of Hg. यानी कि एक गैस है जिसका इनिशियल वॉल्यूम उन्होंने हमें बता दिया 350 सेंटीमीटर क्यूब और इस टाइम पर प्रेशर है 650। कहते हैं अगर आप प्रेशर कम कर देते हैं, 325 मिलीमीटर तक प्रेशर को रिड्यूस किया, व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम, अब इसका न्यू वॉल्यूम क्या होगा। सो एज वी हैव द फॉर्मूला P1V1 इज इक्वल टू P2V2, एज वी नीड टू फाइंड आउट द न्यू वॉल्यूम, द फाइनल वॉल्यूम P2 यहाँ V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड होगा। सो P1V1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू V2। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हेयर आर द वैल्यूज, 650 इनिशियल प्रेशर, 350 इनिशियल वॉल्यूम, 325 इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर तो हमने कैलकुलेट किया, आंसर आया 700 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर हमने प्रेशर को रिड्यूस किया है तो हमारा जो वॉल्यूम है वो ऑब्वियस बात है इनवर्स रिलेशन होने की वजह से द वॉल्यूम विल इंक्रीज।
So volume has doubled because of the decrease in the pressure. Similarly, we have example number 5.2, which says 785 centimeter cube of a gas has was enclosed in a container under a pressure of 600 millimeter Hg. So, चूंकि ये पहली values हैं, so it is V1 initial volume, it is V2 final volume. अगर volume decrease किया जाता है, पहले उन्होंने pressure के बारे में कहा था कि pressure decrease किया है. यहाँ इन्होंने volume decrease किया है, so it is V2. अब हमें pressure find करना है P2. The formula is still the same, P1 V1 is equal to P2 V2. So we are going to rearrange this, and now P2 is going to stay on this side and V2 is going to be divided on the other side. So V2 on the other side, we have P2. Now by adding the values here, तो हमने वैल्यूज ऐड की. वैल्यूज ऐड करने पर हमारे पास आंसर आया द प्रेशर इन मिलीमीटर एचजी 1345.7 मिलीमीटर एचजी. अगर हम इसको एटीएम में चेंज करना चाहें तो हमें पता है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर एचजी. तो हम इसको इस वैल्यू के साथ 760 के साथ डिवाइड करें तो हमें आंसर मिलेगा एटीएम में. तो हमें मालूम हो रहा है कि ओरिजिनल जो हमारा प्रेशर था इट वॉज 785. तो जब हमने वॉल्यूम डिक्रीज किया है, तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज किया है तो इट इज प्रीटी ऑब्वियस कि प्रेशर इंक्रीज करेगा. सो द प्रेशर हैज इंक्रीज्ड, व्हिच इज 1345.7 मिलीमीटर ऑफ एचजी. तो ये जो एग्जांपल्स हैं ये इस बात को प्रूव करती हैं कि जब कभी भी वॉल्यूम किसी भी जगह का डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इनवर्सली इंक्रीज ही होगा. ये एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ टेम्परेचर, एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ गैस के लिए ये बात बिल्कुल ठीक ठहरती है. नेक्स्ट वी हैव एब्सोल्यूट जीरो. बिफोर गोइंग टुवर्ड दैट, हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं. हमने देखा है कि इन केस ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स मूव रेंडमली. वाटर की बात करें, एट नॉर्मल टाइम अगर आप किसी भी वाटर को लें, आप उसका टेम्परेचर मेजर करते हैं, आपको क्या, आप टेम्परेचर किस हिसाब से मेजर करते हैं? साइंटिस्ट सेज द टेम्परेचर इज जितनी स्पीड से किसी भी चीज में, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, चाहे वो सॉलिड, उसके जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं, जितनी स्पीड से ये मॉलिक्यूल्स, ये एटम्स मूव कर रहे हैं, दिस विल शो द अमाउंट ऑफ हीट, दिस विल शो द टेम्परेचर. जैसे कि अगर आप वाटर को बॉयल करते हैं, चूंकि अब इसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पीड से मूव करेंगे, तो अगर आप उसमें थर्मोमीटर डिप करेंगे, यू विल नो द टेम्परेचर हैज इंक्रीज्ड. तो मोर द स्पीड, मोर विल बी द टेम्परेचर, लेस द स्पीड, लेस विल बी द टेम्परेचर. तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए लॉर्ड केल्विन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उसने एक ट्यूब ली. इस ट्यूब में एक साइड पे उसने एक वार्म ऑब्जेक्ट को रखा और एक साइड पर कोल्ड ऑब्जेक्ट को रखा. एज वी नो दैट द हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वार्म टू कोल्ड सरफेस. तो कहते हैं कि उसने इस हिस्से को, वार्म हिस्से को गर्म करता गया और कोल्ड हिस्से की तरफ हीट ट्रेवल होने दी. एक टाइम ऐसा आया कि जब इस वार्म हिस्से के अंदर से सारा का सारा जो हीट थी वो कोल्ड की तरफ चली गई. इसी चीज को उसने स्टडी किया और उसने देखा गैसेस में. He used a gas and decreased its temperature. और आहिस्ता आहिस्ता molecules, चूंकि हमने कहा है कि अगर temperature increase करेंगे तो molecules की speed भी बढ़ जाएगी. तो अगर आप temperature decrease करेंगे तो speed भी decrease होनी चाहिए. तो कहते हैं उसने temperature decrease किया और एक time आया कि जब kinetic energy zero हो गई. तो अगर कहते हैं कि अगर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर स्पीड को मेजर करता है, तो इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो है तो हमारे पास टेम्परेचर भी जीरो होगा, जिसे लॉर्ड केल्विन ने नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन. एट दिस पॉइंट गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, वो बिल्कुल एक रेंडम, एक स्टॉप पोजिशन पर होंगे. इस पॉइंट पर इस गैस का कोई वॉल्यूम, कोई वजन, कोई स्पेस, कुछ भी नहीं होगा. और ये एक आइडियल केस है, यानी कि अब तक, उसके बाद से जो, जब साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, उसके बाद से आज तक इस टेम्परेचर को ऑब्टेन किया नहीं जा सका. ये सिर्फ एक अजम्पशन है, एक बताया गई बात है कि एट दिस पॉइंट ये चीज हो सकती है. तो इसको नाम दिया लॉर्ड केल्विन ने एब्सोल्यूट जीरो एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू टेम्परेचर स्केल. यानी कि अब तक आप डिग्री सेल्सियस के बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर हम जीरो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में देखें तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है.
हम लोग मैक्सिमम -100 तक टेम्परेचर को कम कर पाए हैं। इससे कम टेम्परेचर कम करने पर जो है वो गैस की या किसी भी लिक्विड की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो जीरो केल्विन अभी तक हम लोग अचीव नहीं कर सके, लेकिन मैथमेटिकली ये बात हमने प्रूव कर दी है कि अगर हम किसी भी गैस का किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर -273.15 तक कम कर दें तो इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी मूव करना स्टॉप कर जाएंगे, रुक जाएंगे, एक पोजिशन पर स्टैटिक हो जाएंगे। तो और उस पोजिशन को, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे, जीरो केल्विन, and this is called as absolute. So Lord Kelvin has introduced a new scale which is a absolute temperature scale or Kelvin scale. So usne apni jo definition pesh ki on absolute zero and he said it is a temperature at which an ideal gas would have zero volume. ऐसी गैस जो कि जितने भी हम लोग आइडियल सिचुएशन जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसने कहा कि अगर हम लोग आगे जाकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एडवांस करके इस किस्म की गैस बना पाए जो कि इस रूल को फॉलो करेगी, तो उन डिफरेंट रूल्स में से एक रूल ये भी है कि दैट एट द टेम्परेचर जो कि क्या है, 0 degree Celsius, 0 Kelvin और -273 degree Celsius, एट दिस टेम्परेचर अगर कोई भी गैस एग्जिस्ट करती है और उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करना स्टॉप कर जाएंगे, उसके एटम्स आयंस उनकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट जीरो। तो अब चूंकि आप देख सकते हैं कि अगर 0 Kelvin -273 के बराबर है तो 273 Kelvin किसके बराबर होगा, 0 degree Celsius के। सो बोथ हैव इक्वल टेम्परेचर रेंज, इक्वल टेम्परेचर वैल्यू। तो इसके लिए अगर आपको कोई भी वैल्यू केल्विन में दी जाए और उसको अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप उसके अंदर 273 को ऐड कर दें। कोई भी केल्विन की वैल्यू को अगर आपने कोई भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को केल्विन में चेंज करना है तो आप उसके अंदर 273 को ऐड कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दी जाए 100 degree Celsius एंड दे से कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन, तो आप बस इसमें सिंपली 273 प्लस कर दें। 273 प्लस करने पर हमारे पास वैल्यू आती है 373, दिस इज नाउ केल्विन, केल्विन टेम्परेचर। तो अगर आपने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है सिंपली ऐड 273, तो अगर रिवर्स करना हो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज करना हो तो 273 को सब्ट्रैक्ट करें, यू गेट अ वैल्यू ऑफ 100 degree Celsius। So if you want to convert Kelvin into degree Celsius, subtract 273 from the original value, and if you want to convert degree Celsius into Kelvin, add 273 into the original value. कि जो भी आपको सेल्सियस में वैल्यू दी गई है उसमें 273 ऐड करें, आपको केल्विन टेम्परेचर मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस, सब्ट्रैक्ट -273 फ्रॉम दिस। सो फॉर टुडे वी लर्न अबाउट सम ऑफ द एग्जांपल्स रिगार्डिंग बॉयल्स लॉ एंड अ न्यू टर्म विच इज एब्सोल्यूट जीरो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।